नमस्कार बच्चों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको संख्या लिखना एवं पढ़ना सिखाएंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़ और पूरी संख्या है। देखो, संख पदम नील खरब अरब करोड़ लाख हजार सैकड़ा दहाई इकाई। और जितनी जल्दी करेंगे याद, उतनी जल्दी याद होगा। जैसे संख पदम नील खरब अरब करोड़ लाख हजार सैकड़ा दहाई इकाई। अब देखो, इकाई इकाई केवल एक अंक होता है इकाई में, और इकाई के बाद दहाई, तो एक जीरो उसके बाद एक अंक, तो इकाई दहाई। दहाई कितने हो गए? दस हो गए। अब देखो, बताओ एक दहाई में कितनी इकाई होती है? एक दहाई में कितनी इकाई होती है? एक दहाई में दस इकाई होती है। कितनी इकाई होती है? दस। अब देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, तो जीरो जीरो एक, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा कितने का होता है? सौ का होता है। सैकड़ा कितने का होता है? सौ। अब सैकड़ा में कितनी इकाई होंगी? सैकड़ा में इकाई होंगी सौ। जितनी संख्या हो, चाहे लाख हो चाहे दस लाख हो, अगर इकाई कोई पूछे तो इकाई उतनी होंगी। जैसे एक लाख में एक लाख इकाई होंगी, और सैकड़ा में दहाई कितनी होंगी? दस। अब देखिए आगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये कितने हुए? एक हजार। अब आगे देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार। हजार के दो अंक हो गए, दोनों अंक पढ़ लेंगे, कितने हुए? दस हजार हो गए। ऐसे याद देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार और लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, एक लाख हो गए। अब देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख। अब ये कितने हो गए? दस लाख। अब करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, ये कितने हुए? एक करोड़। अब देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, और ये हो गए अपने दस करोड़ हो गए। अब देखो, जैसे संख्या है, कितनी है? अब ये कितनी संख्या है तो अब पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार कितने हैं? पांच हजार। तो कितने हो गए? पांच हजार। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे कितना है? छह। तो कितना हुए? छह सौ। छह सौ, और ये कितने हैं? अड़तीस। समझ में आया? ऐसे आगे एक संख्या और देखो, अब देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार। हजार दस हजार, तो हजार के कितने अंक है? दो अंक है, तो कितने हजार हो जाएंगे? छिहत्तर हजार। छिहत्तर हजार। अब आगे देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कितने का अंक है? तीन का, तो कितने हो जाएंगे? तीन सौ।
300 और ये कितने हैं 45। ऑप्शन क्या और देखिए, अब देखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 तो यार के दो करेंगे तो कितने हो जाएंगे 45,000। और सैकड़ा का सैकड़ा की है 0 है, फिर बाद में कितने हैं 63 तो 63 लिख दो। अब देखिए आगे, अब देखो इसमें संख पदम नील खरब अरब करोड़ लाख हजार सैकड़ा ढाई इकाई, तो देखिए सभी जोड़ा से होते हैं, किससे होते हैं जोड़ा से होते हैं, और सैकड़ा अपना केवल सैकड़ा अकेला होता है और सभी जोड़ा से होते हैं, ये भी जोड़ा से होते हैं, तो देखिए हजार और 10,000 ये भी जोड़ा से होते हैं, सभी ये जोड़ा से होते हैं। तो देखिए आगे, अब देखो संख्या लिखी अपनी 1,02,05,203, ये अंकों में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? अब देखो मैंने बताया था कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ ठीक है, 2 लाख, 2 लाख है, तो मैंने क्या बताया था सभी जोड़ा से होते हैं, तो 2 लाख तो इसका जोड़ा बनाएंगे तो आगे 0 लिख दो, तो 2 लाख हो गए। अब देखो 5,000 तो 5 भी जोड़ा से नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ा बना लो, तो ये लाख लिख गए 5,000 और 200 सैकड़ा की है 200, दो के बाद 0 दाई है खाली है 3। अब देखो पढ़ लो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो अपने कितने गए 1,02,05,203। अब आगे देखिए, देखिए 5,20,240 लिखने हैं, तो 5,20,240 कैसे लिखे जाएंगे, देखो 5 लिख लो, 5,20,00,000, लाख में भी दोनों संख्याएं तो 20 और लाख के बाद क्या आता है हजार, तो हजार में इसमें है नहीं, तो कितने 0 आएंगे जोड़ा से आएंगे 2 0, तो आगे देखो 240। अब देखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,00,000 करोड़, तो देखिए 5 करोड़ इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10 लाख, तो 20 लाख और 240 ऐसे लिख लेंगे। थैंक यू।